Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad and it is my email ID and today I am going to discuss a new topic under the new category of statistical analysis. Okay, this is a very important sub-field of education, psychology and many other disciplines in which we have to read statistics and have to do statistical calculations. Okay, so the topic of today's discussion is parametric and non-parametric tests and the lecture will be in bilingual mode and will be very useful for various topics, examinations and courses. Okay, so do subscribe my channel as well. जनरली हम लोगों ने साइकोलॉजी पर बहुत बातें की हैं, मनोविज्ञान को ऑलमोस्ट मतलब जितना कोर्स में होता है सिलेबस में होता है जनरली मैं उसको कवर कर चुकी हूँ. ये रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था जिस पर मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी. तो अभी मैंने पैरामेट्रिक्स और नॉन पैरामेट्रिक्स से स्टार्ट करें, फिर बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, डेटा, वेरिएबल, स्केल, उसके बाद पैरामेट्रिक में बहुत कुछ और नॉन पैरामेट्रिक में बहुत कुछ. तो सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि जो परीक्षण है, जो हम सांख्यिकीय परीक्षण करते हैं उसका अर्थ क्या है और पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का क्या अर्थ है, क्या मायने हैं, क्या अजम्पशंस हैं, फिर बहुत कुछ इसमें जानने के लिए है तो जानेंगे धीरे धीरे. सबसे पहले जानें कि सांख्यिकीय परीक्षण है क्या. इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इज ए मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस used to decide whether the data at hand sufficiently support a particular hypothesis. अब हमने hypothesis से नहीं शुरू किया है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जानते हैं कि hypothesis क्या है. क्या है hypothesis? Sorry. जब हम कोई रिसर्च करने जाते हैं, कोई भी इस तरीके का काम अनुसंधान करते हैं, तो सबसे पहले हम वैक्यूम से नहीं शुरू कर सकते ना, हमको कुछ तो एजम्पशन मान के चलना पड़ता है कि ऐसा है. तो वो जो एज्यूम्ड चीज होती है, जो एज्यूम्ड कंसेप्ट होता है, जो हमने एज्यूम किया होता है, वही हाइपोथेसिस होती है. तो हमको स्टैटिस्टिकल टेस्ट की जरूरत क्यों होती है कि वो ये बता पाए कि जो हम एजम्पशन लेके चले हैं वो ठीक है कि नहीं. तो अगर स्टैटिस्टिक्स हम उस पर लगा देते हैं तो हमको मतलब बल मिल जाता है कि हाँ, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, वो अब स्टेटिस्टिकली ठीक है, वो टेक्निकली ठीक है, साइंटिफिकली सही है, सिर्फ हमारी कही बात पर आप भरोसा मत कीजिए, है ना. तो यही कह रहे हैं कि जो स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट होता है वो एक तरीके का स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस है. हम भविष्यवाणी कर सकते हैं स्टेटिस्टिक्स के दम पर कि जो डेटा हमारे पास है वो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग अलाउज अस टू मेक प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर. अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में बताने के लिए कि पॉपुलेशन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सैंपल क्या होता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप वो सब जानते हैं या कभी बाद में उस पर बात करेंगे. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो ये अलाउ करती है, हमको अनुमति देती है कि हम प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट मतलब हम प्रोबेबल स्टेटमेंट, यही तो इन्फरेंस है ना, इन्फरेंस क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट बता पाए पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में, यानी पॉपुलेशन के गुण के बारे में. फिर वही सॉरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाज पॉपुलराइज्ड अर्ली इन द 20th सेंचुरी, अर्ली फॉर्म्स वर यूज्ड इन द 1700s. मतलब वैसे ये 20वीं शताब्दी में ज्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन 1700 से चली आ रही है. द फर्स्ट यूज इज सॉरी द फर्स्ट यूज इज क्रेडिटेड टू जॉन अर्बथनॉट followed by Pierre Simon Laplace. देखिए जॉन अर्बथनॉट का नाम तो हम लोगों ने जनरली नहीं सुना है, पर लाप्लास का नाम सुना है, लाप्लास फॉर्मूला, लाप्लास सूत्र ऐसा पढ़ते हैं. इन एनालाइजिंग द ह्यूमन सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये विकिपीडिया के सौजन्य से लिया गया है. तो इसका मतलब कि यहाँ से 1770 में ये काम चल रहा है, 1710 में काम चल रहा है, सोचिए 300 साल हो रहे हैं. फिर और क्या है स्टैटिस्टिकल टेस्ट. अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज अ फॉर्मल टेक्निक बेस्ड ऑन सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अराइविंग एट अ डिसीजन अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ एन असर्शन और हाइपोथेसिस. जो हम मान कर चले हैं, जो परिकल्पना हमने ली है, उसके रीजनेबलनेस के लिए मतलब उसमें आप तार्किकता ला सकें, उसमें बल ला सकें, उसमें सपोर्ट ला सकें, वहां तक पहुंचने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड एक फॉर्मल टेक्निक है. The normality of the population distribution forms the basis for making statistical inferences about the sample drawn from the population. देखिए population से हम sample निकालते हैं, आप सभी को पता है. Sample जो हो वो population का representative होना चाहिए, उसके लिए जो हम technique लगाते हैं उसको sampling कहते हैं. इस पे नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे, द नॉर्मेलिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोगों ने पढ़ रखा है एनपीसी, एनपीसी में मेरा एक पुराना वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं. नहीं तो इन जनरल, एनपीसी का मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी कि कोई भी डेटा अगर हम निकालते हैं तो अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली फॉलो करता है, जैसे
अब देखिए इसका डायग्राम नहीं है यहाँ पे, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, मतलब क्या है कि जो डेटा की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि सेंटर पे वो इकट्ठा रहता है और जो उसके एक्सट्रीम होते हैं वहां कम होता है। और अब हम एनपीसी पे नहीं जाएंगे, एनपीसी का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी, आपसे शेयर करूंगी, उसमें जब एनपीसी होगा तो मीन मीडियन मोड बराबर होंगे उसके। ओके, फिर ये क्या कह रहे हैं, इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू काइंड्स ऑफ असर्शंस आर इन्वॉल्व। जब भी हम कोई सांख्यिकी परीक्षण करते हैं तो दो तरीके के असर्शन उसमें लेके चलते हैं। क्या, एन असर्शन डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक असर्शन तो ये होता है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है उससे डायरेक्टली जुड़ा होता है, एंड अदर असर्शन टू मेक अ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट। और जो दूसरा असर्शन, जो दूसरा हमारा धनात्मकता है, जो दूसरी हमारी बात है, जो पक्ष है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट। भाई हमारा रिसर्च का मतलब क्या है इन जनरल, ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बात हो रही, मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो उसका मेन ध्येय क्या है कि हम सैंपल पर टेस्ट लगाएंगे और पॉपुलेशन पे जनरलाइज करेंगे। तो जनरलाइजेशन के लिए जरूरी है कि आप उसमें प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट लगा पाए, तभी तो आप बड़ी पॉपुलेशन पे उसको जनरलाइज कर पाएंगे। द फॉर्मर इज एन असर्शन टू बी टेस्टेड। जो पहले वाला है यानी कि पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला, उसका तो उसको हमको परीक्षण करना है, एंड इज टेक्निकली कॉल्ड अ हाइपोथेसिस, और उसी को हाइपोथेसिस कह रहे हैं। वेयर इज द सेट ऑफ ऑल अदर अजम्पशंस इज कॉल्ड द मॉडल। और जो दूसरा अजम्पशन है उसको हम मॉडल या नमूना कह रहे हैं। यानी कि ये दो चीजें हैं जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट मेजर करता है, पहला हाइपोथेसिस की रीजनेबलनेस और दूसरा जो मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वो कितना सटीक है, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या चीजें आगे देखेंगे। तो ये एक खाका हुआ, क्या हमने डेटा लिया उस पे स्टैटिस्टिक्स हमको लगानी पड़ती है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट के हिसाब से ही हम उसकी इंफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि हम उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है डेटा, या हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ठीक है, सॉरी रिजेक्ट हो रही है या रिजेक्ट नहीं हो रही है। नल हाइपोथेसिस, अब नल हाइपोथेसिस की भी बात करनी पड़ेगी, बहुत सारा कुछ इसमें बताने के लिए, कहां से शुरू करें। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें मैं ये मानकर चल रही हूँ कि उतना कुछ आप जानते हैं, फिर बन जाएगा पिछले वाला। तो पैरामेट्रिक्स, अच्छा जो तो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट है ये मेनली दो तरीके के, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। अब इसकी हिंदी जानने के चक्कर में कोई विशेष बात नहीं है, मतलब प्राचलिक हो जाएगा, गैर प्राचलिक हो जाएगा, उतनी हिंदी की जरूरत नहीं है। आप पैरामेट्रिक, गैर पैरामेट्रिक जानिए, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक जानिए, हिंदी लिखते वक्त भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच द सैंपल वाज टेकन। यानी कि सबको पता है कि हम पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं कर सकते, करेंगे क्या, पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रॉन करेंगे। तो जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है वो किस पे, किस मूलभूत मान्यता पर आधारित है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल को लिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें ज्ञात है। In parametric statistics, the information about the distribution of the population is known. यही कह रहे हैं कि जो distribution होता है population का वो हमें ज्ञात होता है, हमें मतलब researcher को, and is based on a fixed set of parameters. और उसके कुछ fixed parameters होते हैं। और क्या होता है, the parametric test is the hypothesis test. जो parametric test होता है वो एक परिकल्पना का परीक्षण होता है, that provides generalizations. यही बात हो, ये भी निकल के आई कि जो quantitative research है उसका purpose ही है कि generalize करना है। तो जितना सटीक आप statistics लगाएंगे, जितना सटीक आप population से sample निकाल के लाएंगे, उतना ही बढ़िया आप generalization कर सकते हैं। तो parametric test is the hypothesis test that provides generalizations for making statements about the mean of the parent population. अच्छा, एक बात और खास, पैरामेट्रिक टेस्ट जितने होते हैं, चूंकि हमको उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है पॉपुलेशन का, इसलिए वहां सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो मीन लेके चलते हैं। क्यों मीन लेके चलते हैं, आगे बहुत बार आएगा, आप उसका और क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि जो मीन होता है वो डेटा में, मतलब स्क्यूड डेटा ना हो तो मीन सटीक उसका सेंट्रल टेंडेंसी की माप होती है, लेकिन वही अगर डेटा स्क्यूड हो तो मीडियन लेना बेहतर होता है, क्योंकि मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके एक्सट्रीम एंड पे कौन से डेटा है, वो सिर्फ बीच का, कोई बीच का बिंदु हम ले लेते हैं कि उसके आगे इतने नंबर है, उसके पीछे इतने नंबर है ना, ये सब आप जानते हैं, मीन मीडियन मोड। तो पैरामेट्रिक टेस्ट पेरेंट पॉपुलेशन के मीन के बारे में बात करता है। ऑल पैरामेट्रिक टेस्ट रिज्यूम दैट द आउटकम इज एप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन। सारे पैरामेट्रिक टेस्ट ये मान के चलते हैं, इस अजम्पशन पे बनाए गए हैं कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। दिस डज नॉट मीन दैट द डेटा इन द ऑब्जर्व सैंपल फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो डेटा है सैंपल का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, बट रादर दैट द आउटकम फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन द फुल पॉपुलेशन दैट इज नॉट ऑब्जर्व। बल्कि इसका ये मतलब है कि जो निकल के आएगा वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, अगर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दें उस पॉपुलेशन पर जिसको कि हमने ऑब्जर्व
नहीं किया है। एजम्पशन क्या है, किस आधारभूत मान्यता पर आधारित होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। पहला, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत बार ये बात हो गई। सैंपल इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल और रेशियो स्केल। अब देखिए कहां जाना पड़ेगा हमको, स्केल। स्केल कितने तरीके का था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो। तो इंटरवल रेशियो जो है वो हायर तरीके के, हायर मतलब हायरार्की में ऊंचे वाले स्केल हैं, जहां पे सारी गणितीय संकल्पनाएं हो जाती हैं, उन पर लगाते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। जो नॉमिनल वाला है आपका, नॉमिनल ऑर्डिनल, उस पर नॉन पैरामेट्रिक चलता भी आप आगे पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट, द पॉपुलेशन मस्ट हैव द सेम वेरियंस, और द सैंपल्स मस्ट हैव इक्वल और नियरली इक्वल वेरियंस। अब ये वेरियंस क्या चीज है, तो आपको पता होगा कि वेरियंस का मतलब होता है एवरेज स्क्वायर्ड मीन, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन। ओके, अच्छा, फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब आया निकल के नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, ये कैसे डिफर कर रहा है पैरामेट्रिक टेस्ट से। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस दैट द डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल दैट डज नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि उस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है जिसके विशेष वितरण के बारे में हम नहीं जानते हैं, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं फॉलो करता है। इन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज अननोन, वहां पे क्या था नोन, एंड द पैरामीटर्स आर नॉट फिक्स्ड, वहां पे क्या था फिक्स्ड, which makes it necessary to test the hypothesis for the population. This test is mainly based on differences in medians. हमने अभी बात की कि median जो है वो skewed जो data होता है उसमें median पे हम lie करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं होता है data में कितना उठा पटक है, कितना चढ़ाव उतार है, कितने ज्यादा डेटा हमारे डिफर कर रहे हैं। जबकि मीन उसमें फॉलो करते हैं जब हमको सब कुछ पता होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फॉलो करता है तो मीन लगभग बीच में पड़ेगा, लेकिन मीडियन स्क्यूड डेटा में भी बीच में ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ अंक लेते हैं, बीच का मान से हमको मतलब नहीं है। Hence, it is alternately known as the distribution free test. इसीलिए इसको distribution free test के नाम से भी जानते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। The test assumes that the variables are measured on nominal or ordinal scale. ये भी आगे निकल के वहां पे क्या था आपका interval ratio scale, यहाँ क्या है nominal ordinal scale. और non-parametric statistics are classified into three types known as non-inferential statistical measure, inferential estimation techniques or hypothesis testing. ये मतलब ऊपर की बात है, इसका इतना इसमें मतलब नहीं है कि ये तीन जो type है वो follow करता है non-parametric statistics. और the common assumptions in non-parametric tests are randomness and independence. और इसके जो मूलभूत मान्यता non-parametric test के हैं वो क्या है कि randomness और independence को ये follow करता है, और chi-square test इसका सबसे most important example है. Difference बहुत पूछा जाता है आपका, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या अंतर है। द की डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज दैट द पैरामेट्रिक टेस्ट रिलाइज ऑन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन डेटा, वेयर इज नॉन पैरामेट्रिक डू नॉट डिपेंड ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन। सही बात। फिर नॉन पैरामेट्रिक डज नॉट मेक एनी अजम्पशंस एंड मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी विद द मीडियन वैल्यू, व्हाइल पैरामेट्रिक इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट अज्यूम्स पैरामीटर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन। ये बात बहुत बार हो गई। It uses a mean value, non-parametric uses median value. When the sample size is small and the distribution of the outcome is not known and cannot be assumed to be approximately normally distributed, then alternative tests called non-parametric tests are appropriate. वो कह रहे हैं कि जब sample का size small हो, आपको उसका distribution ना पता हो, data skewed हो, तो आप non-parametric use कीजिए। ये अब आप एक table से समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज है पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एजम्पशन क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट में हमको पता होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में नहीं पता होता है। सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू पैरामेट्रिक टेस्ट में मीन होती है, यहाँ मीडियन होती है। कोरिलेशन पैरामेट्रिक टेस्ट में पियर्सन चलता है और यहाँ स्पीयरमैन का चलता है, क्यों, क्योंकि स्पीयरमैन क्या है रैंक ऑर्डर वाला होता है। प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पैरामेट्रिक टेस्ट में नॉर्मल है, इसमें आर्बिट्रेरी है। पॉपुलेशन यहाँ पे नोन जरूरी है कि आपको पता हो, यहाँ कोई जरूरी नहीं है। ये इंटरवल डेटा में यूज होता है, ये नॉमिनल डेटा में यूज होता है, और एप्लीकेबिलिटी ये वेरिएबल्स की है और ये एट्रीब्यूट्स पर चलता है। ठीक, रीजंस टू यूज, ये बहुत बार रिपीटेटिव हो गए इसलिए इसको पूरा नहीं पढ़ते हैं, आप समझ लीजिएगा कि द अंडरलाइंग डेटा डू नॉट मीट द अजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन सैंपल, द पॉपुलेशन सैंपल साइज इज टू स्मॉल, और द एनालाइज डेटा इज ऑर्डिनल और नॉमिनल। सो दिस इज टोटल ऑल अबाउट नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड थैंक यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप